हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से निकाली गई बड़ी रिक्रूटमेंट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइव से जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में हम जानेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। एंड यहां पर आप जो है प्रेस एंड विज्ञप्ति पर क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है नया क्या है इस पर भी चेक कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आती है वो आप यहां पर इजीली जो है चेक कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं ग्राम सेवक एंड पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट 2022 के लिए जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। अधिसूचना पत्र आप यहां से चेक कर पाएंगे, 07/2022 रहेगा। एंड इसी के साथ में अगर हम यहां पर विभिन्न पदों के बारे में बात करें जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो यहां पर आप चेक कर पाएंगे ग्राम सेवक के लिए 7460 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं, और पंचायत सचिव के लिए 5051 पदों पर इन वैकेंसीज को रखा गया है। इसी के साथ में दोस्तों, आप जो है यहां पर अगर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस भर्ती के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर पाएंगे। विभाग के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से वैकेंसीज रखी गई है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम आपका जो है ग्राम सेवक और पंचायत सचिव रहेगा। 12,541 पदों पर इन वैकेंसीज को रखा गया है। आवेदन करने का तरीका आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। rural.nic.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में अगर हम यहाँ पर बात कर लें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो ग्राम सेवक पद के लिए 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही में आपको स्थानीय भाषा का जो है ज्ञान का होना जरूरी है। इसी के साथ में पंचायत सचिव के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 12वीं पास कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं, और आपको जो है लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया के बारे में, तो लिखित परीक्षा के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आपसे पूछी जाएंगी, मतलब कि करंट अफेयर से आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी इवेंट या फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस होते हैं वो आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। साथ ही में भारत का इतिहास आपसे पूछा जाएगा और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। साथ ही में भारत एवं विश्व का भूगोल आपसे यहां पर पूछा जाएगा। इसी के साथ में भारतीय राजतंत्र और शासन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। तो आप जो है इसका जो भी सिलेबस है इसे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इजीली चेक कर पाएंगे कि कौन-कौन सा सिलेबस आपसे यहां पर पूछा जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका रहेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इसी के साथ में एबीसी टाइप में आपको जो है यहां पर चार ऑप्शंस में सिलेक्शन जो है क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात की परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पेपर में सिर्फ 33% अंक जो है प्राप्त करने होंगे, मतलब कि 33% मार्क आपको यहां पर लाना जरूरी है। अगर आप 33% मार्क यहां पर नहीं लेकर के आते हैं तो आपका जो है रिजल्ट नहीं आने वाला है, आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। मतलब कि लगभग आपको या तो 27% सही करने होंगे या फिर आपको 66 अंक यहां पर प्राप्त करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन जो है आज के जो भी आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके जो है परीक्षा में जितने भी अंक आप लेकर के आएंगे उन्हीं अंक के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट यहां पर तैयार किया जाएगा। अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, तो देखिए आपको 25,500 रुपए से 35,500 रुपए तक आपको पे स्केल दिया जाएगा। 7वां वेतन आपको यहां पर मिलने वाला है, बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको दी जाएगी। इसी के साथ में गवर्नमेंट रूल्स के अंदर जो भी आपको पे अलाउंस यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं वो अलाउंस आपको यहां पर दिए जाएंगे। एज में छूट आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल के लिए जो है कब से कब की डीओबी होनी चाहिए, आपका जन्मदिन जो है कब के बाद का होना चाहिए, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर रहेगा। आवेदन शुल्क की बात कर ले तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, या फिर AWS कैटेगरी से हैं, या फिर MBC कैटेगरी से हैं, तो आपको ₹100 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एंड SC ST एंड ऑल अदर रिजेक्ट कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करवानी
करनी पड़ेगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी जो है एप्लीकेशन फीस को जमा करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आप आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इजिली चेक कर पाएंगे दोस्तों जो वैकेंसीज है इनकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में, तो देखिए जो आपकी महत्वपूर्ण डेट यहाँ पर रहेगी, महत्वपूर्ण तिथियां जो आपकी यहाँ पर रहेगी, ये ऑनलाइन आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 15 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जो आपकी लास्ट डेट रहेगी ये 25 अगस्त 2022 रहेगी। इस डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही में दोस्तों परीक्षा डेट जो आपकी रहेगी, मतलब कि आपकी जो एग्जाम डेट रहेगी, ये अक्टूबर 2022 में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।